मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से अभी चर्चा की। ये वो लोग हैं जो उद्योगपति भी हैं, इन्होंने अपना जो खरगोन को बढ़ाने में, व्यवसाय को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, लेकिन उसमें जनप्रतिनिधि भी थे। तो जब विकास की बात आती है, जब डेवलपमेंट की बात आती है, तो गुप्ता साहब मैं सबसे पहले आपसे ही सवाल लेता हूँ कि क्या जरूरी है, सिर्फ उद्योगपति हो जाना या सिर्फ जनप्रतिनिधि हो जाना, या फिर दोनों का सामंजस्य जो है वो बहुत जरूरी है? देखिए, मेन मुद्दा है कि हमारा बचपने का एजुकेशन क्या है। मैं एज ए टीचर इस चीज़ को समझता हूँ कि हमें क्या बचपने से सिखाया जा रहा है। अग्रवाल जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही है कि हमें रिस्क लेकर सेल्फ का कुछ करना है। हम हमेशा एक नौकरी की तरफ भागते हैं और खुद का कुछ करने का नया सोचते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी मेंटलिटी बचपने से ऐसी डेवलप कर दी गई है कि हमें रिस्क नहीं लेना है। जॉब ओरिएंटेड हमें सिखाया गया है कि हमें जॉब पर ही सोचना है। वैसे आपने जो बहुत अच्छा टाइटल दिया है, मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से, सर आपको मैं फैक्ट डेटा दे रहा हूं। अगर आसपास के 4 जिलों में देखा जाए, और जब मेडिकल के सिलेक्शन होते हैं नीट्स के थ्रू फॉर द डॉक्टर्स MBBS कोर्स, तो 65% खरगोन का बच्चा होता है अदर जिलों के मुकाबले। यहां मैं वैसे बेसिकली मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, साथ ही साथ इस साल मैंने मेरा BKG इंटरनेशनल स्कूल भी प्रारंभ किया है। 22 साल मैंने कोचिंग को दिए, इसमें 8 साल में कॉलेज एजुकेशन में रहा, 12 साल मैंने फिर स्कूल एजुकेशन को दिए, खुद की भी स्कूल खोली है। कमियां बहुत है, उन्हें कैसे दूर किया जाए इस पर विचार होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप बताया जाए कि मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से, अगर देखा जाए तो खरगोन में एक भी सर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मांग की बात करें तो मेडिकल पहले से तो मांग तो उठती आई होगी। हाँ, मांग उठती है सर, रेलवे की मांग उठ रही है, मेडिकल कॉलेज की मांग उठती है, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग उठती है। भविष्य कैसे बनेगा, आपने टाइटल बहुत अच्छा दिया और हमें खुशी हुई कि आपने हमारे जिले को इस लायक तो समझा कि हम यहाँ से कुछ मध्य प्रदेश के भविष्य की ओर जा रहे हैं। बट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बॉयज के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है खरगोन प्रॉपर में। हमारे यहाँ बच्चा जब बीए करने आता है, BSc करने आता है, उसे ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि इसके फ्यूचर के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, भैया बीए क्यों पढ़ रहे हैं, बीए का आगे क्या हो सकता है, हम किस दिशा में जाएंगे, ओनली कंप्लीटेशन ऑफ डिग्री। आपकी जो कोचिंग है किसकी तैयारी कराते हैं आप? सर JEE की तैयारी करवाते हैं, नीट की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। बट हम लोग जो अभी देख रहे हैं विडंबना, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग अ टीचर, तो टीचर के लिए अप्लाई करने आते हैं तो उनसे पूछा जाता है मेरे द्वारा कि भाई आपने अप्लाई करने आए हो तो आपका क्या विजन था, क्यों आप टीचर बनना चाह रहे हो? तो मोस्ट ऑफ दी लेडीज हमें क्या जवाब देती है, सर बेबी बड़ा हो गया, अब मैं घर में फ्री हूं। विजन नहीं है सर, वर्किंग विजन नहीं है कि हम फ्यूचर क्या सोच के टीचर बनना है। तो ये बच्चे जो बैठे मेरे सामने, मैं इनसे कहूंगा अगर टीचर बनना है तो आपको 11th-12th से विजन रखना पड़ेगा, मुझे टीचर बनना है। कब करते हैं, जब इनके सब सपने टूट जाते हैं, ठीक है, बैंकिंग का टूट जाता, रेलवे का टूट जाता, बैंकिंग सिस्टम जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सपने टूट जाते, देन आफ्टर इट दे डिसाइडेड टू मेक देमसेल्फ बिकम अ टीचर। उसके अलावा कोई विजन नहीं है सर। तो जब तक हमारा टीचिंग सिस्टम या टीचर सही नहीं होंगे, तब तक मेरे को नहीं लगता है कि हम इतने बड़े भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। ना सरकार ध्यान दे रही है खरगोन जिले पे, बताए ना कोई एक स्पेशल चीज दी हो, किसी भी सरकार ने यहाँ पर स्पेशल चीज दी हो, रेलवे की डिमांड करके थक गए हम लोग। अभी मेडिकल की हाँ सांत्वना दे दी है, वी नो दैट कि इलेक्शन मुंह पर है, तो सांत्वना मिली है हमें कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है कि भविष्य कैसे है समझ में नहीं आता, फिर भी हमारे यहाँ के बच्चे जा रहे हैं सर। और इससे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की जो एग्ज़ाम होती है PAT और CPAT, इसमें खरगोन इंदौर संभाग में, सर इंदौर संभाग में से लगभग 70% बच्चा खरगोन जिले का है। ये बहुत बड़ी बात है सर। और विडंबना ये है कि यहां एक भी एग्रीकल्चर का कॉलेज नहीं है।
तो खरगोन को भविष्य मानते हैं और हमारे बच्चे दे रहे हैं उस लेवल का, हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, पर उनको आगे की पढ़ाई के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस मंच से मैं चाह रहा हूं कि हमारी बात थोड़ी सी आगे आपके द्वारा पहुंचाई जाए। हम आए ही इसलिए हैं कि आपका जो महत्वपूर्ण सजेशन है ये हम सरकार तक पहुंचाएं, ना सिर्फ पहुंचाएं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन कराएं, ये हम उसका प्रयास रहेगा। यादव साहब यहाँ पर मौजूद हैं। यादव साहब, अभी शिक्षा की बात चल रही थी जी, अब सरकार की ओर से बार बार कहा जाता है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल है ना, तो हमको जाना होगा उस दिशा में जिसमें कि छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, आपने मार्बल्स की शुरुआत की जी, पैतृक है या फिर आपने नए सिरे से इसको पैतृक भी बोल सकते हैं, मार्बल शॉप तो नहीं, ये लाइन पापा के थ्रू बनाई हुई है, पापा सामने ही है, हम फ्लोरिंग ठेकेदार, पापा फ्लोरिंग ठेकेदार थे हैं, तो उसी लाइन को हमने आगे बढ़ाते हुए ये बिजनेस को रन किया है। और बहुत कम कहें कि अधिकतर पेरेंट्स या उद्योग की बात आती है या बिजनेस की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पैसे कहाँ हैं। तो हम, मेरा मानना ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही बिजनेस ला सकता है या बिजनेस लगाने के लिए पैसा कंपलसरी है, हमने बहुत कम पैसों से आइडियाज भी बिजनेस में काम करते हैं, सिर्फ पैसा काम नहीं करता। जी जी, ऐसा कोई आइडिया है आपके पास? ये तो हर कोई जानना चाह रहा है कि पैसा नहीं लगे और बिजनेस शुरू हो जाए, प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि जब हमने स्टार्ट करने की, पापा ने जैसे बिजनेस चालू किया तो उसको रन करने में पापा ने पहले दिन ही हमें, मतलब रिस्क लेने में पापा पीछे नहीं हटते हैं, बोले आप करो हम देखते हैं। और वही सारे यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही हो जाती है कि सबसे पहले घर वाले ही भरोसा नहीं करते कि मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा। वो तो एक सोसाइटी की हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ, आगे बढ़ना होगा हमें, बस ये जरूर बदलनी होगी, ये जरूर सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा आगे बढ़े, पर कभी कोई सा आइडियाज लेके आए या कुछ बोला तो घर वाले ही सबसे पहले कहेंगे इतना पैसा लग रहा है, नहीं 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 करना, फेलियर ही हो जाओगे। तो सबसे पहला क्यों तो घर से ही आ जाता है कि आप फेलियर हो, तो वो चीजें कम से कम हमारे साथ नहीं हुई। पापा ने पूरा सपोर्ट दिया और करीब हमने 36,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज 36,000 रुपए, हाँ 2010। यहाँ जो तमाम यूथ हैं वो अपना व्यापार शुरुआत करेंगे, और जैसे से आपने कहा कि पैसा जरूरी नहीं है, व्यापार 36,000 से भी शुरुआत हो सकती है, कहाँ तक पहुँच गए आप? करीब अभी ओवरऑल सारा देखे तो 30 करोड़ से तो ऊपर होगा। जोरदार तालियां तो बनती हैं। 36,000 से व्यापार की शुरुआत की थी और आज 30 CR के आसपास का आपका जो है कारोबार पहुंच चुका है। भंडारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अभी शिक्षा की बात हुई और फिर छोटे से व्यापार की बात हुई, लेकिन हम जो जिस तरह से देख रहे हैं कि हमको नवाचार करना होगा, व्यापार किस ओर जा रहा है और आप सोलर लेकर आए हैं, अभी खरगोन में बात करें तो कितना क्या भविष्य देख पाते हैं आप? सर, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा पैतृक बिजनेस जो है वो रियल एस्टेट का है, तो हमारी कॉलोनीज हैं, टाउनशिप्स हैं, पेट्रोल पम्प भी हैं। तो साल भर पहले ही मैंने भंडारी सोलर बेसिकली अभी स्टार्ट किया है, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन अर्थ की तरफ हम लोगों को लगता है कि एक हमारा कर्तव्य भी है, जाना चाहिए हमें। तो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि सभी बिजनेस में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं नहीं है। जैसे कैलाश अंकल ने भी बोला है, अग्रवाल जी ने बोला है कि जैसे वो गुजरात गए, उनको 1 बजे का टाइम दिया था, 1:05 पे वो आए तो वो उनके पास कॉल आया आगे से। हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल में ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसा होता भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर हम लेट भी आए या नहीं भी आए, नो वन इज़ बॉर्डरिंग, मतलब ये इशू है। तो पॉलिटिकल विल ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी फाइल ओके है, क्लियर है, देन आपको रुकने नहीं चाहिए। आपकी फाइल अगर रुक रही है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे कोई भी फाइल रुकती है तो वो बिजनेस रुकता है, वो बिजनेस रुकता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, एम्प्लॉयमेंट देने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर ही होते हैं। अब एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट कब दे पाएंगे, जब उनकी फाइल क्लियर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर पेपर्स अगर क्लियर हैं, ओके हैं, तो विद इन सेकेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम,
वो क्लियर होके पास हो जानी चाहिए। ये मुझे लगता है कि यही अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है कि एमपी सबसे आगे अग्रणी स्टेट बन सकता है अच्छे से। अभी इंदौर में इन्वेस्टर्स मीट हुई है, सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि जो पॉलिसीज हैं सरल भी की जा रही हैं और जो उद्योगपति हैं उनको जो कठिनाइयां हों दूर करने के लिए कमेटियां तमाम बनती हैं लेकिन सरलीकरण किया जा रहा है, इसका कोई क्या फायदा मिल पा रहा है यहाँ पर खरगोन में? सर फायदा तो मैं यही बोलूंगा, बेसिकली खरगोन पर्टिकुलर की बात करूँ तो खरगोन को फायदा तो नहीं मिलता है। आप देखेंगे खरगोन कहीं मतलब अगर हम पहले पिछले 100 सालों से देखें तो कॉटन का गढ़ रहा है खरगोन और एशिया में इसका नाम गिना जाता है खरगोन मंडी का। पर होता यह है कि आज भी टेक्सटाइल पार्क नहीं है, वो मतलब मस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आज टेक्सटाइल पार्क होता तो कहीं ना कहीं आज इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसको लगाने की सोचता, हिम्मत करता कि हम लगाएं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। और मतलब पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है जो मुझे लगता है होना चाहिए। अगर अगर गवर्नमेंट की इच्छा होगी, गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे मिर्च भी बहुत ज़्यादा है तो मिर्च बेसिकली ट्रेड होके बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, हम चाहें तो यहाँ पे प्रोसेस करके मिर्च की हम अचार बना सकते हैं। अच्छा, ये जो खरगोन की मिर्च है पूरे देश में फेमस है। जी जी, अपने तीखेपन के लिए जानी जाती है। खरगोन से विदेश में भी जा रहा है, लेकिन खरगोन में प्रॉपर बात करें तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर इस मिर्च का यहीं पर इस्तेमाल हो रहा हो, यहाँ उपयोग हो रहा हो? सर मेरे नॉलेज में तो नहीं है अभी तक ऐसा कोई भी प्रोसेस यूनिट नहीं है कि यहीं पे बन के यहाँ पे मतलब फाइनल प्रोडक्ट बन के जा रहा हो, वो या तो यहाँ से बाहर जा रहा है, वहाँ पे प्रोसेस होके फिर निकलता है। होना क्या चाहिए, हम यही तो आपसे होना तो यही चाहिए कि अगर अगर यहीं का प्रोडक्ट है तो एंड प्रोडक्ट भी यहीं पे हो। बेसिकली चाइना का जो पॉलिसी है, मैंने चाइना की पॉलिसी देखी है, चाइना की पॉलिसी में बहुत अच्छी बात यह है कि आप जैसे जिस सिटी में जाओगे उस सिटी में आपका स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोडक्ट वहीं की वहीं बन रहा है। तो बेसिकली ये है कि आपको वहीं की वहीं सब कुछ मिल रहा है, अवेलेबल है, तो इसलिए वहाँ का होता कि कॉस्टिंग भी कम है, कॉस्टिंग भी कम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे हो वहाँ पे, फिर वहाँ पे उसका और एक मीडिएटर ग्रुप कुछ बन रहा है, फिर उसके बाद और प्रोडक्ट जा रहा है फाइनल होके, फाइनल होने के लिए कहीं और जा रहा है, तो लॉजिस्टिक जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बढ़ा रहा है उसकी। आपका ये महत्वपूर्ण सजेशन निकल कर सामने आया है, यहाँ की जो मिर्च है यदि उसका प्रोसेसिंग उसकी यूनिट यहीं हो जाए तो खरगोन को एक और नई पहचान मिलेगी। उत्पादन में तो है लेकिन उसका जो प्रोसेस के बाद जो उसका प्रोडक्ट है वो भी खरगोन से निकल आ सकता है। गुप्ता जी, आपसे फिर मैं आपके पास आता हूँ एक बार फिर। ये जो आपने शिक्षा को लेकर स्थिति बयां की थी, अब तो बदल रहा होगा ना खरगोन, कुछ बदलाव तो देखने को मिल रहे होंगे, आप जैसे लोग हैं जो शिक्षण क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, तस्वीर तो बदलेगी? नो डाउट, कहा जाए तो एजुकेशन में परिवर्तन हो रहा है, लेवल में भी चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लेवल में भी चेंजेस आ रहे हैं, बट फिर वही कहूँगा कि कमियाँ हम लोगों की निकालने की आदत है और मेरी तो हो सकता है ज़्यादा मानी जाए। एजुकेशन सिस्टम से दो सीख बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमारे एरिया में एक बोला जाता है एमपी बोर्ड स्कूल, एक सीबीएसई बोर्ड। एमपी बोर्ड के बच्चे को एक तुच्छ नज़र से देखना और सीबीएसई का बच्चा मतलब वेल एजुकेटेड हो गया, क्यों? सरकार का क्या ध्यान नहीं इस चीज पर? लेकिन आप ये बताइए साहब, जो आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है खरगोन आगे निकलता है, हाँ? तो ये बच्चे कौन से होते हैं, एमपी बोर्ड वाले हैं या सीबीएसई वाले हैं? दोनों बराबर है सर, दोनों बराबर, फिर भी उन बच्चों को नीचे नजर से देखना। यानी एमपी गवर्नमेंट से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं एमपी बोर्ड से, हाँ डेफिनेटली वो फाइट दे रहे हैं सीबीएसई वालों कर रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, सीबीएसई वालों को फाइट बराबर दी जा रही है उनके द्वारा। अगर जो सिलेक्शन रेशियो है उसको अगर हम स्टडी करें तो एग्रीकल्चर में सर 90% बच्चा एमपी बोर्ड का है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई सीबीएसई स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ाया नहीं जा रहा लगभग, और उसके बावजूद ये फाइट कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी विडंबना देखिए सर लोग, कि सीबीएसई में हर क्लास में मिड टर्म एग्जाम होती है। सिक्स में अगर छठी में बच्चा है तो उसकी आधी बुक फर्स्ट टर्म में हो गई, आधी बुक सेकंड टर्म में। पर एमपी बोर्ड में ऐसा नहीं है, एमपी बोर्ड में पूरी बुक आखिरी में पूछी जाती है, तो उसका लर्निंग पावर ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में गैप है कि दोनों एजुकेशन सिस्टम को मैच नहीं कर पा। नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, भरपाई तो की जा सकती है उसमें? सर एजुकेशन पॉलिसी सेंटर से बनती है, पर इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए वो क्या हो पाएगा? पॉलिसीज बनाना बहुत अच्छी बात है,
नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी नया नहीं किया गया है, नर्सरी को एजुकेशन सिस्टम में ला दिया गया है। नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो हमारा होता था वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। आपका आपका ये सजेशन है कि जिस तरह से सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाई स्टैंडर्ड के साथ जो एग्जाम का जो मापदंड है वो भी एमपी बोर्ड में लागू किया जाए। सर एक देश एक विधान एक प्रधान हमारा नारा है कहा जाता है, तो फिर अगर वो बुक केरल में चल रही है वही बुक एमपी में चलनी चाहिए, वही बुक छत्तीसगढ़ में चलनी चाहिए, वही बुक का सिस्टम दूसरे स्टेट में भी होना चाहिए। ये स्टूडेंट मानते हैं क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए ये जो मंथन चल रहा है ना मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से, तो खरगोन से ये सजेशन निकल रहे हैं ये पूरे एमपी में बदलाव ला सकते हैं, ये सजेशन बड़े महत्वपूर्ण है। सर बहुत बड़ा अंतर है, हम लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स पे दौड़ते हैं, स्टूडेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे पीजीडीसीए कर लिया, दे आर परचेसिंग द सर्टिफिकेट। नाउअडेज एग्जाम्स में सर्टिफिकेट लग रहा है, भैया सर्टिफिकेट से इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं। हम मैं एज ए एजुकेशनिस्ट ये कहूंगा कि फर्स्ट टू फिफ्थ बुक लगा दी जाती है कंप्यूटर की, क्यों लगा दी जाती है? फर्स्ट टू फिफ्थ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए, बच्चे को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पांचवी का बच्चा चौथी का बच्चा जाके बुक पढ़ रहा वो जरूरत नहीं, उसको कंप्यूटर पे आना चाहिए, करते हुए आना चाहिए, वो बेहतर होगा। वो चीज है ही नहीं एजुकेशन सिस्टम में, बुक लगा दी जाएगी। सो देयर इज नीड ऑफ लॉट ऑफ चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम, और प्रैक्टिकली कहा जाए तो वही कर सकता है जो एजुकेशन में जी रहा हो, जो हॉट चेयर्स पे बैठे हैं जो टॉप टेबल पे बैठे हैं वो केवल इंप्लीमेंट करने एजुकेशन फील्ड से होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली एजुकेशन फील्ड से होना चाहिए तो वो बेहतर होगा हमारे लिए, वो बेहतर होगा। नवरत्न यादव जी, स्टोन का बिजनेस कारोबार के बारे में बात करें जी, तो खरगोन तो है ही उसके आसपास, कितना स्कोप कितना देखते हैं? काफ़ी स्कोप है यहाँ पे, आइट साइड कभी देखा जाए तो एक तो मध्य प्रदेश, तो जितना भी कोई से भी राज्य से एमपी नियरेस्ट ही होता है, कभी देश का दिल है। हाँ दिल है, दिल धड़कता है यहाँ पर, सारे स्टेट्स हैं वो लगभग लगभग बिल्कुल सब काफी सारी स्टेट से नियरेस्ट ही बैठते हैं अपन कि काफी पास पास। मेरा एक चीज और ये था कि बिजनेस को रन करने के लिए यहाँ पर लैंड रिक्वायरमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है, या डायवर्सन या उसके पेपर। जैसे अभी मेरा खुद का ये किस्सा है कि मुझे एक इंडस्ट्री चालू करनी है, बैंक में फाइल लगी, बैंक ने सारे मेरे पेपर सारे ओके हैं, सिर्फ बोले कि भैया 30 साल की जो चेन है उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको लोन नहीं कर पाएंगे। फिर लोन मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं मिला। क्या विकल्प तलाशा आपने? दूसरा विकल्प और कर रहे हैं, पर कम से कम कभी वो पहले हो जाता तो आज जो इंडस्ट्रीज में एक दो साल बाद लगाने वाला हूँ वो 3 साल पहले मैं लगा चुका होता। तो गवर्नमेंट से मैं एक ही अनुरोध करूँगा कि जो पिछले पटवारी तहसीलदार इन्होंने लैंड को लेकर जितनी गड़बड़ियाँ की है, कम से कम उनको थोड़ा सही करके। यहाँ पर जो माइंस हैं जी, कितना कितना भविष्य देख पाते हैं? क्या कुछ नई माइंस की जिस तरह से मध्य प्रदेश में खोज चल रही है, यहाँ कुछ नया मिला है क्या? हाँ अभी एक अलीराजपुर में एक पीला पत्थर निकला है, और नीमच और एमपी में काफ़ी खदानें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर उसकी भी प्रोसेसिंग और इसके लिए वही वाली बात आ जाती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। आप तो वो है ना जो 36,000 में अपना व्यापार शुरू कर देते।